हेलो 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 हाँ जी हेलो स्टूडेंट्स स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में प्यारे बच्चों में आप सभी का बहुत बहुत तही दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं एक बार जल्दी से बता दो कमेंट करके ऑडियो वीडियो सब कुछ परफेक्ट है क्या सो दैट वी कैन स्टार्ट दिस वंडरफुल सेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड साधना सीरीज सभी का आज की इस कक्षा में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत जल्दी से बता दो ऑडियो वीडियो सब कुछ परफेक्ट है क्या वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू वेरी गुड इवनिंग बच्चों वेरी गुड इवनिंग ऑल परफेक्ट ऑल परफेक्ट वेरी गुड देखो प्यारे बच्चों वैसे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत हम लोग बहुत पहले कर चुके थे जब हमारा सेशन स्टार्ट हुआ था तो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पहले ही शुरू कर लिया था बहुत वंडरफुल लेक्चर्स भी हुए जहाँ हमने बेसिक्स देखा आई यू पी एस देखा काफ़ी कुछ पढ़ा अपन ने है ना और फिर हमने क्लास ट्वेल्थ की जो केमिस्ट्री है उसको स्टार्ट कर दिया था और हेलो एल्किन हेलो एल्किन पढ़ना शुरू कर दिया था अब उसके बाद आपको पता है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद में एक महीने क्लास नहीं ले पाया तो अब मैंने आपके लिए क्या प्लान बनाया है उस प्लान को मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर के और फिर हम लोग हमारी आज की इस कक्षा को शुरू करेंगे बहुत सिंपल अप्रोच होने वाली है ऑर्गेनिक का जो प्लान है वो बेहद आकर्षक है आपको देख कर मज़ा आ जाएगा इससे पहले बस में जो पीडीएफ है हमारी उसको मुझे चेंज करना पड़ेगा हम्म 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 चलिए वेलकम एसलियंस आपका आज की इस शानदार सी क्लास में बहुत बहुत स्वागत प्लान बहुत सिंपल है अभी हम लोग यहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एकदम कहते हैं ना बिल्कुल ज़ीरो से बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं एलेवेंथ क्लास के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो वास्तविक शुरुआत है वो इलेवेंथ क्लास से हो जाती है इलेवंथ में आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं आप हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं बहुत गहनता से उसका अध्ययन करते हैं और फिर ट्वेल्थ क्लास के लिए तैयार होकर के ट्वेल्थ क्लास में एंट्री लेते हैं तो इलेवेंथ क्लास के लिए तो ये एक चैप्टर का पार्ट है सेकेंड बुक में उनका सेकेंड चैप्टर है सेकेंड बुक में तीन ही चैप्टर हैं है ना सेकेंड बुक में तीन ही चैप्टर है उनमें से दो चैप्टर हैं ऑर्गेनिक के तो इलेवेंथ क्लास के हर एक बच्चे को तो रेगुलरली आकर के यहाँ पे पढ़ना है उसकी तो ये केमिस्ट्री की मेन क्लास है साथ में ट्वेल्थ क्लास का बच्चा बहुत जल्दी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर को ऐप के ऊपर ख़त्म करके अपने हेलो एल्केन हेलो ऑर वाले चैप्टर को कंटिन्यू करेगा मैं ये मान के चलता हूँ कि जिस बच्चे ने पहले ऑर्गेनिक के बेसिक्स देख लिए होंगे उसको तो दिक्कत नहीं आएगी पर कुछ बच्चे तो जागे ही अभी हैं है ना तो जो बच्चे अभी ही जागे हैं उन्हें मेरे साथ साथ रोज़ रात को नौ बजे आकर के ऑर्गेनिक के एलेवेंथ के बेसिक्स क्लियर करते हुए चलने तो ट्वेल्थ में जो बच्चा बोर्ड की तैयारी कर रहा है उसको कहीं दिक्कत नहीं आएगी अब आती है उस बच्चे की बात जो जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहा है भाई जेई नीट की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे को तो ऑर्गेनिक बिल्कुल जीरो से पढ़नी पड़ेगी तो उसके लिए तो एलेवेंथ क्लास की जो ऑर्गेनिक की क्लास आज से शुरू हो रही है उसको वहां से मेरे साथ ऑर्गेनिक शुरू करनी है आपको देखने में समझ में नहीं आएगा मैं धीरे 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 ऑर्गेनिक का स्तर बढ़ाता जाऊंगा बढ़ाता जाऊंगा बढ़ाता जाऊंगा केमिस्ट्री में मेरे पढ़ाने का तरीके से आपको कभी नहीं लगेगा कि आप नीट जई की क्लास अटेंड कर रहे हो बट जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ये यकीन हो जाएगा कि नीट और जेई के कॉशन्स आशीष सर के क्लास को करने के बाद आराम से होते हैं ठीक है मैं उस स्टेज तक आपको पढ़ाऊंगा उस स्टेज तक आपको ले आ छोड़ूंगा चिंता नहीं करनी है तो समझ आ गया मिला जुला करके इलेवेंथ और तो ट्वेल्थ दोनों क्लास के बच्चों के लिए ये सीरीज जो हम शुरू कर रहे हैं ये बहुत काम की है मैं फिर बता रहा हूँ ये एकदम बेसिक से स्टार्ट होगी और बहुत एडवांस लेवल तक हम इसको लेकर के जाएंगे ऑर्गेनिक पढ़ने का ये सबसे अच्छा तरीका है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए मैं आपको जिस नाम से पुकारूंगा वो नाम होगा साधक ठीक है मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप हैश साधक हैं और आप साधना कर रहे हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ने के लिए सज्ज हैं साधना करते वक्त हम अपने आप अपने गुरु को चुनते हैं और जैसा गुरु कहते हैं हम वैसा ही करेंगे ये हम मानते हैं तो मैं आप लोगों को ये मान के चल रहा हूँ कि आपने मुझे चुना है और मैं जैसा कहता चाहूंगा आपको ऑर्गेनिक में वैसा ही करते जाना है बस इसके अलावा आपको दिमाग नहीं लगाना है ठीक है तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं फटाफट -फड़ से हैश टैग मक्खन हैश टैग जिद कर इन द कमेंट सेक्शन क्योंकि देखो बिना जिद के तो आपको पता है जीवन में कुछ नहीं होता तो जिसके जीवन में ज़िद है वही जिंदगी में कुछ कर पाता है तो हैश टैग जिद कर इन द कमेंट सेक्शन और फिर आज की इस वंडरफुल सी क्लास को हम हमारे कंसेप्ट के साथ शुरू करते हैं आप जब भी मेरी क्लास हो नोट्स तो बना ही लिया करो क्योंकि मेरी हर क्लास में आपको कुछ ना कुछ अलग फ्लेवर कुछ ना कुछ अलग चीज़ देखने को मिलेगी तो आप हमेशा मेरी क्लास में नोट्स तो बनाते हुए ही चला करो चाहे कुछ भी हो जाए ठीक है शुरू करें कहानी ओके तो आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत शानदार वाला पहले तो इंट्रोडक्शन देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे देखो लोगों ने ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कभी बहुत तरीके से पढ़ा ही नहीं बहुत लंबे समय तक तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लोगों ने ऐसा समझा कि तो बकवास है लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की के तरफ ध्यान दिया ही नहीं तो मैं आपको वो सारे घटनाक्रम समझाने की कोशिश करता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ क्या क्या हुआ है ना देखो सबसे पहले ये समझें कि निकोलस लैमरी सबसे पहले ये समझें कि निकोलस लैमरी एक तो इनके नाम भी इतने अजीब से होते हैं मुझे भी आज तक कभी दिमाग में फिट नहीं हुई इनकी स्पेलिंग एन आई सी एच ओ एल ए एस निकोलस और इनके नाम के आगे लगा है लेम्बरी वाह पता नहीं क्या सोच के माँ बाप इनका नाम रखते हैं हमारे यहाँ तो रामू शामू से काम चल जाता है बहुत प्यारे प्यारे नाम रख लो बोलने में आसान तो हो निकोलस लैम्बरी बताओ ही रखते थे इसका नाम तो सिक्सटीन में इन भाई साहब ने कुछ कंसेप्ट दिए क्या कंसेप्ट दिए इन्होंने कहा कि पदार्थों को उनके स्रोत के आधार पर वर्गीकृत करते हैं तो निकोलस भाई साहब ने पदार्थों को, को, को उनके स्रोत के आधार पर वर्गीकृत किया क्या किया पदार्थों को उनके स्रोत के आधार पर वर्गीकृत किया पदार्थों को उनके स्रोत के आधार पर बांटा स्रोत के आधार पर वर्गीकृत किया मतलब जहां से ये प्राप्त होते हैं है ना निकोलस लेमरी ने बताया कि जहां से पदार्थ मिलते हैं हम उनको वहां से बांटना शुरू करते हैं तो सबसे पहला इन्होंने जिस आधार पर वर्गीकृत किया वो था खनिज पदार्थ तो सबसे पहला वर्गीकरण इन्होंने किस आधार पर किया सबसे पहला वर्गीकरण इन्होंने किया खनिज पदार्थ के आधार पर प्यार से समझना एक एक चीज बताऊंगा मैं आपको कार्बन के बारे में तो खनिज पदार्थ को के बारे में सबसे पहला वर्गीकरण किया इसको उन्होंने कहा मिनरल सब्सटेंस अब खनिज पदार्थ क्या है वो है जिन्हें खनिजों से प्राप्त किया जाता है तो खनिज पदार्थ वो है जिन्हें खनिजों से प्राप्त किया जाता है जिन्हें खनिजों से प्राप्त करते हैं उन्होंने तो कहा कि पदार्थों को उनके स्रोत के आधार पर जहां से वो मिल रहे हैं ना उसके आधार पर इन्होंने उस वर्गीकरण को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले कहा कि हम बोलेंगे खनिज पदार्थ उनको जिन्हें खनिजों से प्राप्त करते हैं और इसके उदाहरण में उन्होंने डाल दिया सोना चांदी तांबा है ना तो इसके उदाहरण में आ गया आपके पास सोना चांदी तांबा तो ये सब कहां से मिलते हैं ये खनिज से मिलते हैं इसलिए इन्हें कहा गया खनिज पदार्थ दूसरा इन्होंने कहा कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो हमें प्राप्त होते हैं वनस्पति जगत से और उन्हें इन्होंने नाम दे दिया वनस्पति पदार्थ तो कुछ ऐसे पदार्थ थे जो हमें कहा से प्राप्त होते हैं वनस्पति जगत से उन्हें नाम दिया गया वनस्पति पदार्थ तो ये कौन से पदार्थ थे इन्होंने कहा भाई कुछ पदार्थ हमें कहां से मिलते हैं नेचर से मिलते हैं तो उनको इन्होंने नाम दे दिया वनस्पति पदार्थ तो ऐसे पदार्थ जो हमें कहां से प्राप्त होते हैं बेटा ऐसे पदार्थ जो हमें वनस्पति जगत से प्राप्त होता है तो लिखो जिन्हें ऐसे पदार्थ जिन्हें वनस्पति ये वनस्पति ठीक कर लेना यहां पे गलत दिखा हुआ है ऐसे पदार्थ जिन्हें ऐसे पदार्थ जिन्हें जिन्हें वनस्पति जगत से प्राप्त किया जाता है उदाहरण आपको पता है पेड़ों से हमें रबड़ मिलता है तो रबड़ जो है उसको किसमें डाल दिया गया वनस्पति पदार्थ में डाल दिया गया गन्ने का रस हो गया गन्ने के रस से हमें शर्करा मिलती है वृक्ष से हमें रबड़ मिलता है है ना तो गन्ने के रस से शर्करा तो ये जो पदार्थ हैं इन्होंने कहा कि ये सारे पदार्थ जो है भाई साहब ये हमें कहाँ से मिल रहे हैं ये तो हमें मिल रहे हैं वनस्पति से तो हम इन्हें क्या कहेंगे इन्हें हम वनस्पति पदार्थ कहेंगे ठीक है भाई कहो कोई दिक्कत नहीं थी तीसरा कुछ पदार्थ इन्होंने निकोलस लेमनी भाई साहब ने कहा कि कुछ पदार्थ बेटा है। ऐसे हैं sa, कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिन्हें जंतुओं से प्राप्त किया जाता है कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिन्हें जंतुओं से कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिन्हें कहां से प्राप्त किया जाता है जंतुओं से कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिन्हें कहाँ से प्राप्त किया जाता है जंतुओं से तो उन्हें अपन किस नाम से जानते हैं बच्चा पार्टी जंतु पदार्थ के नाम से जानते हैं तो जंतु पदार्थ एनिमल सब्सटेंस बोलते हैं आपको सुनने में मजाक लगेगा बट ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक यहीं से स्टार्ट होता है जंतु पदार्थ एनिमल सब्सटेंस बोलते हैं तो जंतु पदार्थ की इन निकोलस लैमरी भाई साहब ने क्या डेफिनेशन दी इन्होंने कहा कि भाई ऐसे पदार्थ जिन्हें जंतु जगत से प्राप्त किया जाए है ना ऐसे पदार्थ जिन्हें जंतु जगत से प्राप्त किया जाता है आप लिख सकते हो जिन्हें जंतु जगत से प्राप्त किया जाता है जिन्हें जंतु जगत से जिन्हें जंतु जगत से प्राप्त किया जाए जिन्हें जंतु जगत से प्राप्त किया जाता है जिन्हें जंतु जगत से प्राप्त किया जाता है नोट्स बनाओ साथ साथ उदाहरण हो गया यहां पे हार्मोन्स तो हार्मोन्स ऐसे पदार्थ हीमोग्लोबिन हो गया हार्मोन्स हो गया ये सारे कहां से प्राप्त होते हैं हमें जंतु पदार्थ हैं जंतुओं से मिलते हैं तो इन्होंने कहा कि पदार्थों को बांटना है तो उनके स्रोत के आधार पर बांट दो जो खनिजों से मिल रहे हैं बेटा उन्हें बोल दो खनिज पदार्थ जो वनस्पति से मिल रहे हैं उन्हें बोल दो वनस्पति पदार्थ और जो जंतुओं से मिल रहे हैं उन्हें बोल दो जंतु पदार्थ बाद में समझ में आया कि ऐसा नहीं है कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो हमें वनस्पति जगत से भी प्राप्त हो सकते हैं और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो हमें जंतु जगत से भी प्राप्त हो सकते हैं मतलब हमें ऐसा लग रहा था कि हम पदार्थों को तीन हिस्सों में बांट सकते हैं जो खनिज से मिले उसे हम खनिज पदार्थ बोल देंगे जो वनस्पति से मिले उसे हम वनस्पति पदार्थ बोल देंगे जो जंतुओं से मिले उन्हें हम जंतु पदार्थ बोल देंगे ऐसा हमारा काम चल जाएगा पर बाद में समझ में आया कि ये तो सबसे बड़ी बेवकूफी है क्योंकि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो वनस्पति जगत से भी प्राप्त होते हैं और जंतु जगत से भी प्राप्त होते हैं तो निकोलस लैमरी साहब की जो भविष्यवाणी जो उन्होंने बताया था उसकी हो गई धज्जियां उड़ गई ऐसी भयंकर धज्जियां उड़ी ऐसी भयंकर धज्जियां उड़ी कि हमने इस थ्योरी को बाद में क्या कर दिया कैंसिल कर दिया सही है कोई दिक्कत नहीं है समझ आ गया मतलब कुछ समय बाद पश्चात पता चला कि हम कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो पदार्थ वनस्पति और जंतु दोनों से प्राप्त किया जा सकते तो तब कुछ समय पश्चात कुछ समय पश्चात यह पता चला यह पता चला कि कुछ पदार्थ वनस्पति एवं जंतु दोनों से प्राप्त किया जा सकते हैं थोड़ा स्टार्टिंग क्लास हिस्ट्री की बोरिंग रहेगी दस पंद्रह पांच दस मिनट की फिर कार्बन के बारे में इंट्रोडक्शन शुरू हो जाएगा तो कार्बन से पहली मुलाकात डाइट नहीं करवा सकता ना बताना पड़ेगा उसके बारे में तो कुछ समय पश्चात पता चला कि कुछ पदार्थ वनस्पति व जंतु दोनों से प्राप्त हो सकते हैं दोनों से प्राप्त हो सकते हैं जब यह पता चला अतः अतः लेमिनी का वर्गीकरण लेमरी अतः लेमरी का वर्गीकरण यहां से यहां से निरस्त हो गया मतलब बकवास थी तो लेमेरी भाई साहब का जो वर्गीकरण है हमने कहा तुम तो बकवास कर रहे हो भाई तुम कह रहे थे तीन में बांट लो बट ऐसा नहीं होता है ऐसा नहीं है है ना ऐसा नहीं है चीजें इस प्रकार की नहीं है आप जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है और भी बहुत सारी चीजें हैं जो दोनों से बन सकती हैं ठीक है ठीके? तो अब एक चीज और है जो बाद में समझ में आई लेवोसिया भाई साहब ने एक कांड किया था लेवोसिया का नाम सुना है लेवोसियर ने एक चीज का पता लगाया कि जो वनस्पति जगत है ना वनस्पति जगत और जो जंतु जगत है इनमें बहुत गहन संबंध है आपको थोड़ा सा हिस्ट्री पता होनी चाहिए लेवोसियर भाई साहब ने एक बहुत शानदार बात बताई कि वनस्पति जगत और जंतु जगत में बहुत भयंकर संबंध है जब आप वनस्पति जगत से पदार्थ उठाते हो वनस्पति जगत से पदार्थ उठाते हो तो मेनली उसमें आपको मिलता है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मतलब आपने वनस्पति जगत के पदार्थ उठाए और वनस्पति जगत से प्राप्त पदार्थों को आपने जब चेक किया तो आपको उसमें मिला बेसिकली कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब आपने जंतु जगत के पदार्थ उठाए तो उनमें भी आपको मिला कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर तो क्या समझ आया वनस्पति जगत हो पादप हो पेड़ पौधे हो चाहे जंतु जगत हो इनमें एक चीज बहुत कॉमन है वो है कार्बन मतलब कार्बन एक ऐसी चीज है जो किन में पाई जा रही है कार्बन एक ऐसी चीज है जो किन में पाई जा रही है वनस्पति में भी और जंतु में भी अब ये बताओ कि वनस्पति और जंतु क्या है वनस्पति और जंतु हैं सजीव और बाकी इस दुनिया में जो भी चीजें हैं वो क्या है मरी भी निर्जीव इसका मतलब सजीवों में एक चीज बहुत कॉमन है बेटा सजीवों में एक चीज बहुत कॉमन है कार्बन के साथ उनका गहरा संबंध तो सजीवों के पदार्थों का अध्ययन कार्बन का ही अध्ययन है और ऐसे जन्म हुआ कार्बनिक रसायन का सजीवों के अलावा जो कुछ भी है निर्जीव उनके अंदर जो कुछ भी पड़ा हुआ है उसका अध्ययन जिस शाखा में डाल दिया गया वो है अकार्बनिक रसायन तो अब आपको थोड़ी थोड़ी पिक्चर समझ में आई कि कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन का जन्म कैसे हुआ जो भी जीवधारी है जो पेड़ पौधे हैं जीवित पदार्थ हैं उनसे प्राप्त पदार्थों को का अपने कार्बनिक कह दिया और जीवधारियों के अलावा प्रकृति के अंदर भूप पर्टी में चट्टानों में खनिजों में जो भी पदार्थ हैं, हमने उन्हें अकार्बनिक पदार्थ के नाम से जाना तो इसके बाद वर्गीकरण दो हिस्सों में गया एक तो कार्बनिक रसायन या आप कह सकते हो कार्बनिक पदार्थ और दूसरा हमने कह दिया अकार्बनिक पदार्थ हमें यह बात समझ में आ गई थी कि जितने भी सजीव हैं उन सब के अंदर कार्बन बहुत कॉमन है और उन सब का अध्ययन हमने डाल दिया कार्बनिक रसायन में इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो अध्ययन है उसे अपन क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसके अलावा प्रकृति की भूपपर्टी के अंदर जानते हो तो ना अंदर चट्टानों में वहां से जो हमें पदार्थ मिल रहे उन्हें हमने पढ़ा और उन्हें हमने कहा इनऑर्गेनिक पदार्थ या इनऑर्गेनिक कंपाउंड ठीक है तो क्या लिख सकते हो आप जंतुओं से खन जंतुओं से पादपों से या फिर आप सिंपल बोले सजीवों से प्राप्त पदार्थ सजीवों से प्राप्त पदार्थ ये आपके क्या कहलाए कार्बनिक पदार्थ है ना बेटा और प्रकृति की भूपपर्टी धरती की भूपपर्टी धरती की भूपपर्टी निर्जीव से प्राप्त पदार्थ निर्जीव से दिख रहा है क्या कट तो नहीं गया निर्जीव से प्राप्त पदार्थ निर्जीव से प्राप्त पदार्थ उन्हें बचा पार्टी हमने क्या कह दिया अकार्बनिक रसायन अकार्बनिक पदार्थ कार्बनिक पदार्थ का जब भी अपन अध्ययन करते हैं तो उस केमिस्ट्री को बोलते हैं कार्बनिक रसायन लिखो उस केमिस्ट्री को क्या बोलते हैं कार्बनिक रसायन और जब भी अपन अकार्बनिक पदार्थों का अध्ययन करते हैं तो उस रसायन को बोलते हैं अकार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलो अब फटाफट से कमेंट करके बताओ कि मैंने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है आपको समझ में आ गया क्या एक बार हिस्ट्री का फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं निकोलस लैमरी नाम के महान बंदे ने यह बात बोली कि हम पदार्थों को उनके स्रोत के आधार पर बांट सकते हैं जो हमें खनिज पदार्थ खनिजों से प्राप्त हो रहे हैं उन्हें हम खनिज पदार्थ कह देंगे जो हमें वनस्पति से प्राप्त हो रहे हैं पेड़ पौधों से प्राप्त हो रहे हैं उन्हें हम वनस्पति पदार्थ कह देंगे जो हमें जंतुओं से प्राप्त हो रहे हैं हम उन्हें जंतु पदार्थ कह देंगे बात खत्म पर बाद में समझ में आया कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो वनस्पति से भी प्राप्त होते हैं और जंतुओं से भी प्राप्त होते हैं है ना तो लैमरी का वर्गीकरण यहां से हमने क्या कर दिया निरस्त लेवे भाई साहब ने एक बात और बताई कि जो वनस्पति जगत है और जो जंतु जगत है उनमें जो पदार्थ पाए गए हैं उनमें कार्बन हाइड्रोजन जैसे यौगिक कॉमन है तो इसके बाद समझ में आया कि इसका मतलब जब इनमें परमाणु कॉमन है तो इनके बीच में घनिष्ठ संबंध भी होगा इनके बीच में भयंकर वाली एक कनेक्शन भी होगा तो उसके बाद में एक अलग तरीके की परिभाषा बनाई हमने कहा हम पदार्थों को दो भागों में बांटेंगे एक होगा कार्बनिक पदार्थ और दूसरा होगा अकार्बनिक पदार्थ कार्बनिक पदार्थ में हम जंतु पात्रों और सजीवों से प्राप्त पदार्थों का अध्ययन कर लेंगे भाई साहब और अकार्बनिक पदार्थ में अपन अध्ययन कर लेंगे पृथ्वी के अंदर जो चट्टाने हैं उन सबका अध्ययन कर लेंगे ठीक है चलो अब इसके बाद यहां तक कहानी खत्म नहीं हुई जब कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ का इस प्रकार से वर्गीकरण कर दिया गया उसके बाद कार्बनिक पदार्थों के बारे में बर्जीलियस ने एक भयंकर बात बोली सुनना लोगों ने बहुत झूठ बोले बेटा और झूठ तो क्या है उनको भी नहीं पता था तो यहां पे एक चीज आती है बर्जीलियस हमारे बर्जीलियस भाई साहब का बर्जीलियस भाई साहब का जैव शक्ति सिद्धांत बर्जीलियस का जैव शक्ति सिद्धांत बहुत धज्जिया उड़ी थी इसके लिए उनकी जैव शक्ति सिद्धांत देखना ये क्या पंचायती है इनकी जैव शक्ति सिद्धांत को कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी जैव शक्ति सिद्धांत को क्या बोलते हैं जैव शक्ति सिद्धांत को बोलते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी अब क्या था इस वाइटल फोर्स थ्योरी में इसके बारे में एकदम डूब करके समझेंगे इन्होंने कहा कि जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं इस दुनिया में इन्होंने कहा जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं इस दुनिया में वो सारे कार्बनिक पदार्थ को आप लेबोरेटरी में नहीं बना सकते सुनना कितनी बेकार बात थी बर्जीलियस ने कहा बर्जीलियस ने कहा कि इस दुनिया में जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं, आप उन्हें लेबोरेटरी में नहीं बना सकते क्यों? क्योंकि 1815 1815 में में इन्होंने ये बात बोली थी, और 1815 में एक भी कार्बनिक पदार्थ एक भी कार्बनिक पदार्थ लैब में नहीं बनाया गया था तो जब जो चीज नहीं होती हम ये कहते हैं कि इसके पीछे एक ऐसी शक्ति का हाथ है जिसके बारे में हम नहीं जानते है ना तो 1815 में बर्जीलियस ने कहा कि भाई अब तक हम एक भी कार्बनिक पदार्थ को लेबोरेटरी में नहीं बना पाए हैं तो अब हम स्वीकार कर लेते हैं कि कार्बनिक पदार्थों के अंदर एक इस प्रकार की जादुई शक्ति होती है जो उन्हें बनाती है वाह 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 क्या बात बोली है क्या बात बोली है कि कार्बनिक पदार्थों को एक जादुई शक्ति बनाती है कितना मजा आ रहा है सुनने में और इन्होंने कहा इस बात को आधार बना के कि एक भी तत्व लैब में नहीं बना है इन्होंने कहा कि कार्बनिक यौगिकों को एक रहस्यमयी बल बनाता है कार्बनिक यौगिकों को इन्होंने कहा कि कार्बनिक यौगिकों को कार्बनिक यौगिकों को एक रहस्यमय बल बनाता है कार्बनिक यौगिकों को एक रहस्यमय बल बनाता है उस रहस्यमय बल को इन्होंने नाम दिया जैव शक्ति का उस रहस्यमय बल को उस रहस्यमय बल को जैव शक्ति कहते हैं उस रहस्यमय बल को क्या कहते हैं जैव शक्ति कहते हैं ठीक है भाई अब तुम बोल रहे हो तो हम क्या ही बोले मानना ही पड़ेगा और इस जैव शक्ति को बोलते हैं इंग्लिश में वाइटल फोर्स सुन लो बकवास कि 1815 तक लोगों को लगता था कि हम एक भी कार्बन के यौगिक को लेबोरेटरी के अंदर नहीं बना सकते कार्बन के यौगिकों को तो एक अदृश्य शक्ति बनाती है और उस अदृश्य शक्ति का नाम है वाइटल फोर्स और इन्होंने एक सिद्धांत भी दे दिया जिसे कहा गया जैव शक्ति सिद्धांत बस थोड़े दिनों की बात थी 1828 में इनका भ्रम तोड़ दिया गया सन 1828 के अंदर बर्जिलियस भाई साहब के के ऊपर एक भयंकर थप्पड़ मारा किसने व्लोहर ने पता व्लो, व्लो नहीं कैसे कैसे नाम रखते हैं यार ये लोग। तो 1828 में ठीक इसके तेरह साल बाद व्लोहर ने क्या किया यूरिया को लैब में बना दिया यूरिया को लैब में बना दिया लो भाई साहब मतलब जो आपके ये भाई साहब कह रहे थे ना कि एक भी कार्बनिक पदार्थ लैब में नहीं बना इसका मतलब कार्बनिक पदार्थ को कोई महान शक्ति बनाती है उस महान शक्ति का जो नाम है वो वाइटल फोर्स है फलाना ढिमका जो भी बकवास थी उसको दूर करने का एक ही तरीका था कि लैब के अंदर कोई पदार्थ बना दो अगर लैब के अंदर आप कोई पदार्थ बना दोगे तो बात खत्म हो जाएगी तो लैब के अंदर व्लोहर ने क्या किया यूरिया को बना दिया और उसके बाद जो वाइटल फोर्स थ्योरी है वाइटल फोर्स थ्योरी क्या हो गई आपकी निरस्त हो गई डन बेटा खत्म बात कोई दिक्कत परेशानी नहीं है और ये जर्मन साइंटिस्ट थे अट्ठारह में इन्होंने बना दिया और इस बात को अच्छे से याद रखें कि ये जो इन्होंने काम किया अब अमोनिया क्या होता है ये आपका यूरिया क्या होता है ये होता है अमोनियम साइनेट यूरिया का यूरिया क्या होता है अमोनियम साइनेट अमोनियम साइनेट तो अब इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना अपन को ऑर्गेनिक इसकी रिएक्शंस वगैरह बुक में दे रखे अभी फालतू में आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता बस आप मोटे मोटे तौर पर याद रखो कि अमोनियम साइनेट यूरिया को कहते हैं और यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको लैब के अंदर बना दिया गया और बी बी एफ टी की इन्होंने धज्जियाँ उड़ा दी बस खत्म इसके बाद लोगों को समझ में आ गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जिसको पढ़ा जाना चाहिए और फिर लोगों ने बहुत शांति दिमाग से बैठ करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ना शुरू किया और फिर यहाँ से शुरुआत हुई उस बहुत बड़े विशाल टॉपिक की जो आज हम ऑर्गेनिक के रूप में देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रूप में देखते हैं तो क्या आपको अभी तक का इंट्रोडक्शन एकदम अच्छे समझ में आ गया बस इतिहास मैं इससे ज़्यादा नहीं पढ़ा सकता क्योंकि इतिहास मेरे को इससे ज़्यादा पढ़ाना आता भी नहीं है अब जो मुझे सच में आता है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और अब मैं आपके साथ मिलकर के उसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को शुरू करने जा रहा हूं ठीक है तो लेट्स स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बच्चा पूछ रहा है अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला क्या है सर तो अमोनियम साइनेट का अमोनियम साइनेट नहीं अमोनियम साइनेट को गर्म करके यूरिया बनता है मैं आपको पूरी बात बताना भूल गया अमोनियम साइनेट को गर्म करके यूरिया बनता है और यूरिया का फॉर्मूला है एनएच टू सीओ एन एच टू ये C डबल बॉन्ड O, एन एच टू एन एच टू ये यूरिया होता है बाकी इसका जो भी फॉर्मूला वगैरह है उसके बारे में बाद में बात करेंगे अभी इतना परेशान नहीं होना है बस याद रखना है इसको कैसे बनाया था अमोनियम साइनेट को गर्म करके इसको बनाया गया था इट और अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला अगर कोई आपसे पूछ ले तो एन एच फोर सी एन ओ एन एच फोर सी एन ओ ये है अमोनियम साइनेट इसको गर्म करते हैं तो ये बन जाता है रिएक्शन भी लिखे देता हूँ फिर इतना कर दिया है तो एन एच फोर सी एन ओ अगर आप इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने पे आपको मिल जाएगा एन एच थ्री सी डबल बॉर्न ओ एन एच थ्री जो कि क्या है आपका यूरिया है ठीक बेटा और ये किसको गर्म किया है आपने अमोनियम साइनेट को वैसे याद नहीं रखना था बट ठीक है चलो एग्ज़ाम में सवाल वगैरह आ जाए तो आप लिख सकते हैं चलो बस बहुत हो गया हिस्ट्री अब इससे आगे मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा हिस्ट्री को अब मुझे अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करनी चाहिए ठीक है स्टार्ट रेडी करें शुरू चलो अब जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ते हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन ही तो है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको किसको जानना चाहिए मुझे बताओ सबसे पहले आपको कार्बन को जानना चाहिए तो शुरू करते हैं हेडिंग लगाएं कार्बन तो कोई बच्चा अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कर रहा है तो उसको कहां से शुरू करनी चाहिए उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन से स्टार्ट करनी चाहिए चलो शुरू करें बेटा समझे एक एक चीज कार्बन क्या चीज है सबसे पहली बात कार्बन एक अधातु है नोट्स बनाते चलो कार्बन एक अधातु है ये एक नॉन मेटल है अब इलेवेंथ क्लास के बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर ट्वेल्थ क्लास के बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर हम वापस नोट्स बनाए क्या देखो मैं ये जो ऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूं इस ऑर्गेनिक में मैं पूरे बेसिक्स को एकदम डिटेल में क्लियर करूंगा मैंने आपको वहां पे अनुराध एक दिन में पढ़ाया हो सकता है यहां पे चार दिन में पढ़ाऊं मैं एक एक टॉपिक को ओपन करके पढ़ाऊंगा स्टाइशोमैट्री रस समीकरण मित्र सब कुछ फिर आएगा हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन को एकदम एक एकदम ओपन करके पढ़ाऊंगा तो ये इलेवेंथ क्लास के बच्चों की सीरियस क्लास है तो वो ट्वेल्थ क्लास का बच्चा जो इलेवेंथ में कमजोर था और जो आशा बैच का बच्चा है और ड्रॉपर बैच का बच्चा है उसके लिए ये क्लासेस बहुत काम की हैं क्योंकि अब मैं वास्तव में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एकदम बेसिक से शुरू कर रहा हूं और इलेवेंथ के बच्चों को पढ़ाने के लिए पूरा इलेवेंथ का ऑर्गेनिक का सिलेबस कराया जाएगा अभी जैसे ही ट्वेल्थ के बच्चों का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा उनका मैं हेलो एल्केन हेलो एलिन स्टार्ट कर दूंगा फिर दो चीजें पैरेलल चल रही होंगी आपका साधना सीरीज के अंदर एकदम बेसिक से ऑर्गेनिक चल रही होगी और आपके हेलो एल्केन हेलो एलकेरिन का आगे लेक्चर्स भी कंटिन्यू हो रहे होंगे तो पूरा ऑर्गेनिक का एक बढ़िया माहौल जो है वो हमारे चैनल के ऊपर क्रिएट हो जाएगा समझ समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं चलो इसलिए इसमें एकदम बेसिक से शुरू होगी सारी चीजें तो 11th क्लास के बच्चे के लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बढ़िया नोट्स बनाओ बढ़िया से लिखो तो अधातु नॉन मेटल कार्बन आपका एक अधातु है कार्बन का परमाणु क्रमांक छ होता है अभी कहां का सदस्य है यह दूसरे आवर्त और चौदहवे वर्ग का सदस्य है तो दूसरा आवर्त और चौदवे वर्ग का सदस्य है अगर आप इसको चेक करेंगे तो ये आपको दूसरे आवर्त तो और चौदवे वर्ग के अंदर मिलेगा कार्बन के बारे में और बात करें तो इसका जो परमाणु क्रमांक है इसका परमाणु क्रमांक छ होता है मतलब इसमें प्रोटॉनों की जो संख्या है वो 6 है इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या भी छ होती है और अगर उदासीन परमाणु की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी छ होती है इस प्रकार से अगर अपन इसका परमाणु द्रव्यमान देखें तो इसका परमाणु द्रव्यमान होगा किसी का भी परमाणु द्रव्यमान क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए ना किसी का भी परमाणु द्रव्यमान होता है उसमें प्रोटोनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या तो छह प्लस छह तो इसका परमाणु द्रव्यमान होता है बारह इस हिसाब से अगर अपन कार्बन का प्रतीक लिखें तो कार्बन का प्रतीक होगा सिक्स सी ट्वेल्व अगर हम इस प्रकार से कार्बन का प्रतीक लिखें तो प्रतीक क्या होगा सिक्स होगा चलिए आगे बात करते हैं यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को नहीं है चलो अब कार्बन का आप देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर गौर करेंगे सभी बच्चे ध्यान से देखें तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p2 अब कार्बन के पास जो बाह्यतम कोश है बाह्यतम कोश की स्थिति कैसी है 2s2 2p2 मतलब कार्बन के पास अपने आप को स्थाई करने के दो तरीके हैं या तो वो चार इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले और C4- बना ले अगर वो ऐसा करता है तो यहां पे p के अंदर अधिकतम छह इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं p के अंदर यहां पे दो इलेक्ट्रॉन है अगर वो चार इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेगा तो बना लेगा सी फोर माइनस और सी फोर माइनस बना करके वो अपने आप को क्या कर सकता है स्थाई कर सकता है अगर हम बात करें दूसरा ऑप्शन क्या है तो चार इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दे अगर वो चार इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना पसंद करता है तो भी बात बन सकती है अगर कार्बन चार इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दे तो यहां से ये चारों इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे वनश पूरी तरह से भरा रहेगा और ये सी फोर प्लस भी बना सकता है पर ना तो कार्बन C4- माइनस बनाता है मतलब कार्बन को करना क्या आप देखो ऐसे देखो ना इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दो चार के हिसाब से देखो तो अस्तक पूरा करने के दो तरीके हैं या तो चार इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अस्तक पूरा कर लो या ये जो चार इलेक्ट्रॉन है इनका दान करके उस कोष को ही खत्म कर लो अब ध्यान से समझिएगा अब यहां पर अगर आप चार इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवाते हैं अभी कार्बन की स्थिति कैसी है कि कार्बन के नाभिक में छह प्रोटॉन है और बाहर छह इलेक्ट्रॉन है अब ध्यान से देखिएगा एक्चुअल में आपके नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में रस्साकस्सी का मुकाबला होता है क्योंकि ये आपस में एक दूसरे को बांध के रखते हैं तो अगर आप बात कर रहे हो आपके पास नाभिक में छह प्रोटॉन है तो ये स्थिति है छह प्रोटॉन है अब आप कह रहे हो कि कार्बन को आगे से चार इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेने चाहिए और अपने बाह्यतम कोष को पूरा कर लेना चाहिए अगर कार्बन अपने बाह्यतम कोष को पूरा करने के लिए चार इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेता है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा दो कॉमा छह और उसके पास दस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो यहां पे जो हमारे पास छह प्रोटॉन है उनके पास ये चार्ज रहेगा कि उनको दस इलेक्ट्रॉनों को संभालना है एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस अब आप खुद सोचो क्या चार क्या छह प्रोटॉन मिलकर के क्या छह प्रोटॉन मिलकर के दस इलेक्ट्रॉनों को संभाल सकते हैं क्या भाई सोचने वाली बात है प्रोटोनों का काम होता है इलेक्ट्रॉनों को बांध करके रखना अब आप कह रहे हो कि कार्बन को अपने बाहितम कोश के अष्टक को या बाहितम कोश को पूरा करने के लिए चार इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेना चाहिए अब सोचिए अगर चार इलेक्ट्रॉन उसने ग्रहण कर लिया तो छह प्रोटोनों वाले नाभिक के लिए अब उसको कितने इलेक्ट्रॉन संभालने पड़ेंगे दस इलेक्ट्रॉन दस इलेक्ट्रॉनों को संभालना छह प्रोटोनों वाले नाभिक के लिए संभव नहीं है इसलिए कार्बन अपने बाह्यतम कोष को पूरा करने के लिए चार इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण नहीं करता तो क्या लिखेंगे अपन छह प्रोटोनों वाले नाभिक के लिए छह प्रोटोनों वाले नाभिक के लिए छह प्रोटोनों वाले नाभिक के लिए दस इलेक्ट्रॉनों को संभालना छह प्रोटोनों वाले नाभिक के लिए दस इलेक्ट्रॉनों को संभालना संभव नहीं है बस बात खत्म तो छह प्रोटोनों वाले नाभिक अगर ये कोशिश करे कि वो दस इलेक्ट्रॉनों को संभाल के बैठ जाएगा तो प्यारे बच्चों माफी चाहूंगा संभव नहीं है इधर देखते हैं, इधर क्या दिक्कत है आराम से समझना आपके पास छह प्रोटोनों वाला नाभिक है इन्होंने अपनी भयंकर शक्ति का प्रयोग करके प्रोटोनों वाले नाभिक ने अपनी भयंकर शक्तियों का प्रयोग करके छह इलेक्ट्रॉनों को संभाल रखा है एक दो तीन चार पांच चे. तो ये छह इलेक्ट्रॉनों को किसने पकड़ रखा है छह प्रोटॉनों ने अब आप कह रहे हो कि हम चार इलेक्ट्रॉनों को निकालेंगे चलो शुरू करते हैं अब अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला तो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के बाद छह प्रोटॉनों ने पकड़ रखा है पांच इलेक्ट्रॉनों को तो ये पकड़ पहले से और मजबूत हो जाएगी क्या मैं सत्य बोल रहा हूं यह पकड़ पहले से और मजबूत हो जाएगी अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं तो जो आपके नाभिक है उसके पास है छह प्रोटॉन और आपने अगर एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया तो अब बचे पांच इलेक्ट्रॉन तो जो नाभिक है जो नाभिक है वो बचे हुए पांच इलेक्ट्रॉनों को कस के पकड़ लेगा मानते हो मेरी बात चलो आपने और ऊर्जा देकर के एक इलेक्ट्रॉन को और निकाल दिया अब छह प्रोटोनों वाले नाभिक ने पकड़ रखा है चार इलेक्ट्रॉनों को सोचो कितना भयंकर ताकत से पकड़ के रखेगा अब अगला इलेक्ट्रॉन निकालना और भी मुश्किल होगा मान लो यार आपने मेहनत करके एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया तो अब तो दो प्रोटॉन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन हो गया अब इतना भयंकर आकर्षण होगा इतना ज्यादा भयंकर लेवल का आकर्षण होगा कि अब आप एक और इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाओगे तो चार इलेक्ट्रॉन निकालना अगर आप शुरू भी करोगे ना तो एक निकालोगे उससे ज्यादा ऊर्जा देकर के दो निकालोगे उससे ज्यादा ऊर्जा दे करके तीन निकालोगे चौथे इलेक्ट्रॉन तक आते आते, आते आपकी सिट्टी पिट्टी गुम और फिर आप इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी बाहर नहीं निकाल पाओगे तो सी फोर प्लस क्यों नहीं बनता C4 फोर पर इसलिए नहीं बनता क्योंकि छह प्रोटोनों वाले नाभिक के सामने चार इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए और वो हम दे नहीं सकते तो छह प्रोटोनों वाले नाभिक से छह प्रोटोनों वाले नाभिक के आकर्षण से छह प्रोटोनों वाले नाभिक के आकर्षण से चार इलेक्ट्रॉनों को निकालना संभव नहीं है इसके लिए आवश्यक ऊर्जा का मान इसके लिए आवश्यक जो ऐसा काम कर रहे हैं ना अपन इसके लिए आवश्यक ऊर्जा का मान बहुत अधिक होगा इसके लिए आवश्यक ऊर्जा का मान काफी उच्च होगा और सच बता रहा हूं मैं आपको इतनी ऊर्जा आप दे नहीं पाओगे तो कोई मतलब नहीं है आप ऐसा नहीं कर सकते बात यहीं पे खत्म करो ना तो कार्बन सी फोर माइनस बनाएगा ना कार्बन सी फोर प्लस बनाएगा ठीक है तो, तो कार्बन सी फोर नहीं सी फोर प्लस नहीं बनता इसका कारण ये रहा और सी फोर माइनस नहीं बनता इसका कारण ये रहा तो कार्बन फिर करता क्या है कार्बन अपने बाहितम कोष को पूरा करने के लिए इस दो कमा चार को दोमा आठ करने को सबको यही करना है या तो बाहितम कोश को फुल कर लो इतनी ऊर्जा क्यों नहीं दे सकते बेटा बहुत ज्यादा ऊर्जा हो जाएगी ना तो इतनी ऊर्जा का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते आप ऊर्जा बढ़ा नहीं सकते ना सिस्टम की ज्यादा सिस्टम की ऊर्जा बढ़ाओगे वो अस्थायी हो जाएगा इसलिए वो संभव नहीं है समझ रहे हो एक बच्चा सवाल पूछ रहा है हाँ चलिए ठीक है यहां तक तो ठीक है कार्बन अपने अष्टक को पूरा करने के लिए ना तो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर सकता है प्यारे बच्चों ना इलेक्ट्रॉनों का दान कर सकता है तो करता क्या है कार्बन शेयरिंग शेयरिंग खेलता है जैसा आपने रासायनिक बंद वाले चैप्टर में पढ़ा कि कार्बन सह संयोजी बंद बना सकता है तो कार्बन सह संयोजी बंद बनाता है तो कार्बन क्या करता है कार्बन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा कार्बन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कार्बन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी संयोजी बंद बनाता है इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा क्या करता है बालक सह संयोजी बंद बनाता है तो यह करता है कार्बन कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके सह संयोजी बंद जो है वो बनाता है टन और शहर संयोजी मन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है जैसे कार्बन को आप देखो तो हाइड्रोजन के साथ में एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने दिया एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने दिया फिर एक और हाइड्रोजन आ गया उसने अपना एक और इलेक्ट्रॉन दिया एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने दिया एक हाइड्रोजन ने दिया एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने दिया एक हाइड्रोजन ने दिया तो ये शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के भी हैं कार्बन के भी हैं शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के भी हैं कार्बन के भी हैं शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के भी हैं कार्बन के भी हैं शेयरिंग के इलेक्ट्रॉने हाइड्रोजन के भी हैं कार्बन के लिए भी हैं तो इस प्रकार से अब चारों से कार्बन ने शेयरिंग कर सकती है कर रखी है तो ये चारों की शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन कार्बन के हैं तो कार्बन के पास शेयरिंग के कितने इलेक्ट्रॉन आ गए कार्बन के पास साझेदारी के आठ इलेक्ट्रॉन हो गए तो कार्बन ने इस प्रकार एक बंद यहां एक बंद यहां एक बंद यहां और एक बंद यहां, बन यहां बना रखा है ठीक है आगे बात समझ में अब कार्बन ये ऐसा भी कर सकता है कि कार्बन ने अपने जैसे एक बंदे के साथ साझेदारी कर ली दो इलेक्ट्रॉन यहां रख दिए इसने भी अपने दो इलेक्ट्रॉन रख दिए ठीक है अब बचे कितने इस कार्बन के पास दो इलेक्ट्रॉन थे बायतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है आप चेक करो ये तो आपको आता होगा ना टेंथ क्लास में भी बन पड़ते हैं बायतम कोश में चार इलेक्ट्रॉन है तो चार इलेक्ट्रॉनों को ही अपन सहसेवन बंद में भाग ले सकते हैं तो कार्बन ने अपने दो इलेक्ट्रॉन यहां रख दिए इस कार्बन ने अपने दो रख दिए अब इस कार्बन के दो बचे ऐसे ही इस कार्बन के भी दो बचे उन दो के लिए आ जाएगी हाइड्रोजन तो सामने से यहाँ पे आ गई हाइड्रोजन यहां भी आ गई हाइड्रोजन सामने से यहाँ भी आ गई हाइड्रोजन और सामने से यहाँ भी आ गई हाइड्रोजन अब किस प्रकार की स्थिति बन रही है बेटा सब कुछ आपको आता होगा टेंथ क्लास में सब पढ़ा है आपने यहाँ पे शेयरिंग हो रखी है यहाँ भी शेयरिंग हो रखी है यहाँ भी शेयरिंग हो रखी है यहाँ भी शेयरिंग हो रखी है अब देखना इस कार्बन ने कहाँ कहाँ शेयरिंग कर रखी है इस कार्बन ने इन दोनों हाइड्रोजन के साथ में और अपने पड़ोसी कार्बन के साथ शेयरिंग कर रखी है चेक कर लो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट कार्बन के आठों बंद कंप्लीट है इस कार्बन ने एक दो तीन आठ चार, चार, तो इस कार्बन ने शेयरिंग कहां, कहां कर रखी है इस कार्बन की शेयरिंग ऐसे बना लिया आपस में डबल बॉन्ड इधर से दो हाइड्रोजन आ गई इधर से दो हाइड्रोजन आ गई तो जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है तो उसको अपन दुई आबंद की कैटेगरी में डाल देते हैं बस याद रखें कि अगर दो इलेक्ट्रॉन यहां पे क्या है देखो यहां पर दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी है तो जब भी कहीं दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो उससे बनेगा एकल बंद मतलब जिसको अपन बोलते हैं इंग्लिश में सिंगल बॉन्ड सही है बेटा मजा आ रहा है और जहां पर यहां देखो यहां कितने बंद की साझेदारी हुई है यहां अगर अपन ढंग से चेक करें तो एक दो तीन चार यहां पर चार बंद की साझेदारी हुई है तो जहां पर चार बंद की साझेदारी होती है जहां पर चार बंद की साझेदारी होती है उसे अपन किस नाम से जानते हैं उसे अब चार बंद नहीं कहेंगे चार इलेक्ट्रॉन कहेंगे है ना अपने बंद लिख दिया वास्तव में यहां पे इलेक्ट्रॉन आएगा तो जहां पे चार इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है हम उसे किस नाम से जानते हैं जहां पर चार इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है हम उसे द्वि आबंद के नाम से जानते हैं द्वि आबंद के नाम से जानते हैं उसे हम डबल बॉन्ड के नाम से जानते हैं समझ गए तो ऐसे कार्बन कार्बन के बीच में बनता है डबल बॉन्ड चलो अब ट्रिपल बॉन्ड को समझ ले कार्बन ने तीन इलेक्ट्रॉन रख दिए शेयरिंग के लिए सामने वाले कार्बन ने भी तीन इलेक्ट्रॉन रख दिए शेयरिंग के लिए अब क्या है अब इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन बचा वो हाइड्रोजन के लिए रख देगा इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन बचा वो हाइड्रोजन के लिए रख देगा तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए सामने से आ गई हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन के लिए सामने से आ गई हाइड्रोजन अब खूबसूरत तरीके से देखिएगा इस कार्बन ने इस हाइड्रोजन ने यहां साझेदारी कर रखी है इस हाइड्रोजन ने यहां साझेदारी कर रखी है हाइड्रोजन का टारगेट इतना होता है कि उसको अपने पास दो इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं हाइड्रोजन का ऐसे आठ इलेक्ट्रॉनों का टारगेट नहीं होता चलिए देखते हैं अब इस कार्बन को देखें इस कार्बन के ये दो इलेक्ट्रॉन भी साझेदारी के हैं ये भी साझेदारी के हैं तो वास्तव में देखें तो कार्बन ने कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर ली एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ तो इस कार्बन का काम कंप्लीट इस कार्बन की बात करें एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ ये लो ऐसे इस कार्बन के भी बंद कंप्लीट है तो यहां पे एक्चुअल क्या हुआ है यहां पे अगर आप गौर करके देखेंगे प्यारे बच्चों तो एक दो तीन चार पांच यहां पर कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है यहां पर छ इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है तो जब छह इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो छ इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंद बनता है उसे कहते हैं त्रिआबंध तो छह इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंद बनता है उसे अपन कहते हैं त्रियाबंद तो यहां पे कार्बन कार्बन के बीच में हो गया ट्रिपल बॉन्ड इस टाइप से यह स्थिति है तो यहां कार्बन कार्बन के बीच में हो गया ट्रिपल बॉन्ड यहां कार्बन कार्बन के बीच में हो गया ट्रिपल बॉन्ड डन कोई दिक्कत परेशानी समस्या किसी को भी नहीं यहां तक मस्त समझ में आ गया चलो वेरी गुड अब आगे बढ़ते हैं अब हम समझते हैं कार्बन के बारे में बहुत सारी बातें चलती रहेंगी अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि किसी यौगिक में हेडिंग लगाओ किसी यौगिक में किसी यौगिक में सिग्मा एवं पाई बंद की गिनती अपन कैसे करते हैं वो चीज सीखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान से सीखना आपको शायद अभी पहले वाली स्लाइड में एक बात अच्छे समझ में आ गई होगी अगर आपने नोटिस की होगी कौन सी है वो बात कि कार्बन चार बंद जरूर बनाता है एक दो, एक दो तीन चार एक दो तीन चार एक दो तीन चार तो कार्बन अगर अपने अष्टक को पूरा करना चाहे अगर कार्बन का मन करता है कि उसको अपने अष्टक को पूरा करना है तो कार्बन कितने बंद बनाने की कोशिश करेगा प्यारे बच्चों अगर उसको अपना अष्टक पूरा करना है तो कार्बन कितने बंद बनाने की कोशिश करेगा चार बंद बनाने की कोशिश करेगा सही है क्या चल, बढ़िया अब देखते हैं सिग्मा और पाईबंद की गणना कैसे करते हैं किसी यौगिक में सिग्मा और पाईबंद की गिनती कैसे होती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि अगर आपके पास ए और बी के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड बना हुआ है अगर ए और बी के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड है तो वो हमेशा सिग्मा होता है तो पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बनता है अगर ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड बना हुआ हो तो एक बॉन्ड सिग्मा होता है और एक बॉन्ड पाई होता है अगर ए और बी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ हो तो एक बॉन्ड सिग्मा होता है और बाकी के दो बॉन्ड पाई होते हैं ये आत्मसात कर लो अपने दिमाग में अच्छे से ये बहुत ज्यादा जरूरी है और यहां से एग्जाम में मतलब आपको काफी ज्यादा सिग्मा और पाई गिनने में जो दिक्कत है वो नहीं आएगी और आप इस बात को याद रखेंगे वापस सुन लीजिए कि ए और बी के बीच में अगर पहला बॉन्ड बन रहा है तो वो हमेशा सिग्मा बनेगा ए और बी के बीच में अगर डबल बॉन्ड बन रहा है तो एक बॉन्ड सिग्मा होगा एक बॉन्ड पाई होगा ए और बी के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है तो एक बॉन्ड सिग्मा होगा और बाकी के दो बॉन्ड पाई होंगे ठीक है अब कार्बन में चेक करते हैं किसी यौगिक का एग्जाम्पल लेकर के जैसे अभी अभी आपने ये यौगिक देखा इस यौगिक में ही चेक कर लेते हैं कि कितने सिग्मा बंद है ठीक है गिनते हैं इसके अंदर सिग्मा और पाई बंद की गिनती करना आना चाहिए चैप्टर नंबर फोर में पढ़ाया जाता है कि सिंगल बॉन्ड है तो हमेशा सिग्मा दो बॉन्ड बने तो एक सिग्मा एक पाई तीन बॉन्ड बने तो एक सिग्मा और बाकी के दो पाई होते हैं चलिए खेलते हैं कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है सिग्मा होगा कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है सिग्मा होगा कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है सिग्मा होगा कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है सिग्मा होगा तो यहां एक्चुअल में कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड बने हुए हैं चार सिग्मा बने हुए चार हाइड्रोजन के साथ में एक कार्बन के तो यहां अगर अपन गिनती करेंगे तो सिग्मा बंद कितने हैं तो यहां पे सिग्मा बंद है चार सही है क्या अगर हम गिनती करें कि यहां पाई बंद कितने हैं तो यहां पे पाई बंद है जीरो तो इस यौगिक में सिग्मा बंद कितने हैं आपने देख लिया इस यौगिक में सिग्मा बंद है आपके चार और अगर आप देखें तो इस यौगिक में पाई बंद कितने हैं इस यौगिक में पाईबंद है जीरो पहली चीज समझ में आती है चलो दूसरी चीज पे आते हैं अगर आप दूसरे एग्जाम्पल पे चलें, इस एग्जाम्पल पे चलते हैं। ये भी अभी, अभी, अभी ने सीखा अगर अपन इस एग्जाम्पल को बिल्कुल गौर से देखें तो कार्बन ने इधर देखो दो बॉन्ड बने में पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है दूसरा बॉन्ड पाई होता है इस कार्बन का इस हाइड्रोजन के बीच में पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है इन दो के बीच में पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होगा इन दो के बीच में पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होगा इन दो के बीच में पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होगा तो अगर आप यहां पे बिल्कुल गौर करके समझे तो सिग्मा बंद और पाई बंद की गिनती करो यहां पे सिग्मा बंद और पाई बंद की गिनती करो कितने सिग्मा बंद एक दो तीन चार पांच इस यौगिक में पांच सिग्मा बंद है और एक पाई बंद है राइट right? आ रहा है सबको चलो वेरी गुड थर्ड एग्जांपल देखो इसी चीजें करनी है प्रैक्टिस आपको अच्छे से थर्ड एग्जांपल देखें तो सी ट्रिपल बॉन्ड सी इधर एक एच इधर एक एच ध्यान से देखें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एक कभी भी किसी दो योग के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होगा अगला पाई अगला पाई याद रखें इस कंसेप्ट को हमेशा के लिए दिमाग में फिक्स कर लें यह कंसेप्ट एक बार नहीं आपके लाइफ में आपके बार बार काम आएगा कि अगर दो परमाणुओं के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनाया तो पहला सिग्मा है तो बाकी के दो क्या होंगे पाई होंगे अब आगे गौर फरमाइएगा प्यारे बच्चों यहां पे अगर आप गिनेंगे इस कार्बन इस हाइड्रोजन के बीच में केवल एक बॉन्ड है तो ये आपका होगा सिग्मा इस कार्बन इस हाइड्रोजन के बीच में केवल एक बॉन्ड है ये आपका होगा सिग्मा तो इस प्रकार से देखें इस प्रकार से देखें तो इस यौगिक में सिग्मा बंद कितने हैं इस यौगिक में सिग्मा बंद है एक दो तीन और इस यौगिक में अगर पाई बंद गिने तो इस यौगिक में पाई बंद कितने हैं दो ऐसे तो इस प्रकार से आप सिग्मा और पाइबंद को गिन सकते हैं यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर आप थोड़ी मेहनत करेंगे तो आपको सिग्मा और पाइबंद गिनना आ जाएगा ठीक है जब आप सिग्मा और पाइबंद गिनना सीख लेते हैं तो उसके बाद आपको कार्बन का संकरण निकालना आना चाहिए यह एक इंपॉर्टेंट काम है जो सबसे होना चाहिए सिग्मा और पाईबंद के आने के बाद आपको कार्बन का संकरण निकालना आना चाहिए अब संकरण कैसे निकालते हैं सिखाता हूं संकरण निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है उसको ध्यान से देखो संकरण अर्थात हाइब्रिडेशन जो अभी इलेवंथ क्लास में पढ़ा चुके हैं अपन संकरण होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर लोन पेयर का मतलब होता है एकाकी युग्म अब मेरी बात को गौर करके समझना आपको जिसका भी संकरण देखना है उसके सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को जोड़ना पड़ेगा आपको जिसका भी संकरण देखना है किसी का भी देखो भले आपको जिसका भी संकरण देखना है आपको उसके सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को जोड़ना है उससे आपको एक नंबर मिलेगा अगर यह नंबर दो है अगर यह नंबर तीन है और अगर ये नंबर चार है तो इसके आधार पर आप फैसला कर पाओगे कि संकरण क्या है अगर नंबर दो है तो एक एस और एक पी संकरण होगा एस पी संकरण एस पी हाइब्रिडाइजेशन आराम से अगर ये नंबर तीन आता है तो एक एस और दो पी संकरण होगा sp2 टू संकरण अगर ये नंबर चार आता है तो एक एस और तीन पी ये होगा एस पी थ्री संकरण इस प्रकार से समझें देखें और फिर विचार करें आपको सब कुछ समझ में आएगा कि भाई आपने सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को जोड़ा सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को जोड़ करके अगर आपके पास नंबर दो आया तो संकरण आपका होगा एस पी संकरण अगर नंबर तीन आया तो आपका संकरण होगा sp2 संकरण अगर नंबर चार आया तो आपका संकरण होगा sp3 संकरण ठीक है अब इसकी प्रैक्टिस करें एक बार समझे? चलो जैसे इसी एग्जाम्पल में वापस आ जाओ कार्बन के बॉन्ड काउंट करो पहला बॉन्ड सिग्मा होता है पहला बॉन्ड सिग्मा होता है पहला बॉन्ड सिग्मा होता है पहला बॉन्ड सिग्मा, सिग्मा होता है तो इस कार्बन के बारे में बात करें तो इसके पास चार सिग्मा है लोन पेयर का मतलब होता है अगर आपके बंदे के ऊपर दो इलेक्ट्रॉन पड़े हों, जैसे अगर आप एनएस्त्री की बात करो तो एनएस्त्री के पास दो इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं तो ये दो इलेक्ट्रॉन एक एकाकी युग्म कहलाता है आप पाओ में कितने जूते पहनते हो आप पाओ में दो जूते पहनते हो आप पाओं में कितने जोड़ी जूते पहनते हो आप पांव में एक जोड़ी एक जोड़ी जूते पहनते हो तो जब अपन जब अपन जूते की जोड़ी की बात करते हैं तो वो एक है और अगर अपन जूतों की संख्या की बात करें तो वो दो है समझ रहे हैं तो जूतों की संख्या दो है जूतों की जोड़ी एक है उसी प्रकार एकाकी युग्म इंग्लिश में बोलते हैं लोन पेयर तो अगर अपन जोड़े को गिने तो उसके हिसाब से गिनना है अगर दो इलेक्ट्रॉन पड़े हो तो उसको एक लोन पेयर या एक एकाकी युग्म कहा जाएगा क्या आपको कार्बन के ऊपर यहां पे कोई लोन पेयर दिखाई दे रहा है मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा तो इसका मतलब यहां पे कार्बन पे जीरो लोन पेयर है अब इस हिसाब से अपन देखें तो संकरण कितना आ रहा है नंबर कितना आ रहा है चार चार के हिसाब से अगर अपन संकरण देखें तो एक एस और तीन पी तो संकरण आपका आ गया एस तो यहां इस कार्बन का संकरण क्या है एस है बताओ कमेंट करके मजा आ रहा नहीं आ रहा समझ आ रहा नहीं आ रहा अच्छे से हो रहा नहीं हो रहा आगे बात कर ले प्यारे बच्चों चलो अगले पे चलते हैं अगर अपन इस एग्जाम्पल को देखें सी डबल बॉन्ड सी एक एच यहां एक H यहां एक एच यहां अब देखें डबल बॉन्ड है अब एक ही कार्बन को पकड़ना पड़ेगा पहले अपन इस कार्बन को पकड़ते हैं एक बॉन्ड सिग्मा जब डबल बॉन्ड होता है तो एक बॉन्ड सिग्मा होता है एक बॉन्ड पाई होता है जब डबल बॉन्ड होता है तो एक बॉन्ड सिग्मा होता है एक बॉन्ड पाई होता है ठीक है सिंगल बॉन्ड होता है तो सिग्मा सिंगल बॉन्ड होता है तो सिग्मा अब यहां पे देखें तो आपके पास तीन सिग्मा है क्या आपको पाई को काउंट करना है संकरण देखने के लिए आपको पाई से कोई मतलब नहीं है आपको सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को देखना है तो इसके पास सिग्मा कितने इस कार्बन के पास एक दो तीन सिग्मा है अब यह मत बोलना कि सर एक सिग्मा ये रहा एक सिग्मा ये रहा अरे मेरे प्यारे बच्चों ये इस कार्बन का है आप केवल इस कार्बन पे फोकस करो इसका संकरण अपन अलग से लिखेंगे अगर अपन केवल इस कार्बन की बात करते हैं तो इसका एक सिग्मा ये रहा एक या एक ये रहा रह। क्या इसके ऊपर कोई लोन पेयर है सर जी इसके ऊपर तो हमें कोई लोन पेयर नहीं दिख रहा तो इसके ऊपर लोन पेयर कितना है जीरो लोन पेयर है तो इस हिसाब से वैल्यू कितनी आ रही है तीन अब तीन को अगर अपन तोड़ करके लिखें तो तीन को आप लिखोगे तो एक एस और दो पी तो यहां पे इस कार्बन का संकरण जो है वो एस पी टू संकरण होगा अब अगर अपन देखें दूसरे वाले कार्बन की तरफ इन भाई साहब को समझें तो इन साहब के पास एक दो तीन तीन सिग्मा इनके पास भी है प्लस इनके पास भी कोई लोन पेयर नहीं है तो तीन के हिसाब से इनको अगर आप बांटेंगे तो इनका संकरण भी होगा sp2 तो दोनों कार्बन का संकरण यहां पे क्या निकल के आता है sp2 निकल निकल करके आता है बताओ बेटा कुछ भी टफ नहीं है मैं बहुत आराम से बहुत प्यार से आपको समझा रहा हूं आपको बस ये गिनना है कि सिग्मा बॉन्ड कितने हैं उसके बाद आपको ये देखना है कि उसके ऊपर टिमकियां रखी हुई है क्या दो टिमकी को अपन एक जोड़ा बोलते हैं दो टिमकी को अपन एक जोड़ा बोलते हैं तो यहां मैंने देखा कि इस कार्बन का एक सिग्मा दो सिग्मा तीन सिग्मा पाई बॉन्ड से हमें कोई मतलब नहीं है सर आपको कैसे पता चला कि ये पाई है दो परमाणुओं के बीच में पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बनता है और दूसरा पाई बनता है ये इसकी ठीक पहले वाली स्लाइड में हमने आपको बताया है क्लियर चलो अब ये वाला एग्जाम्पल तो आप खुद ही करके बता दो सी ट्रिपल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच एच चलो अब ये आप खुद करके बताओ मुझे अगर आप गौर करके समझेंगे तो आसान लगेगा आपको पहला बॉन्ड सिग्मा दूसरा पाई तीसरा पाई अगर दो परमाणुओं के बीच में तीन बॉन्ड बनते हैं तो पहला हमेशा सिग्मा होता है दूसरा पाई तीसरा भी पाई तो इस हिसाब से देख लेंगे इस कार्बन का पहला हमेशा सिग्मा होता है तो अब अपन देखें तो यहां पे इस कार्बन के पास एक दो दो सिग्मा है और जीरो लोन पेयर है तो दो को अगर आप बांटोगे तो एक एस और एक पी संकरण क्या हो गया बेटा एस पी संकरण हो गया खत्म अगर आप पड़ोस वाले कार्बन को देखते हो तो पड़ोस वाले कार्बन का भी एक सिग्मा इधर एक सिग्मा इधर दो सिग्मा प्लस कोई लोन पेयर नहीं है तो इस हिसाब से दो और दो के हिसाब से अगर आप बांटेंगे तो संकरण आ गया एस पी संकरण मस्त है क्या समझ आ गया क्या कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी बालक को कोई दिक्कत तो नहीं है पक्का चलो अब एक सवाल आपको दूं करने के लिए फिर मैं आपको भयंकर वाले आशीष सर के कैप्सूल लिखवा दूंगा ठीक है यह सवाल मुझे आप करके बताओ सभी कार्बन के संकरण बताओ मुझे आप इसमें सभी कार्बन के संकरण फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों के संकरण बताओ चलो करो करो मुन्ना करो आ जाएगा आ जाएगा समझ में चिंता मत करो पूरा रिपीट कर दूंगा मैं लोन पेयर क्या है टिमकियां कोई टिमकी नहीं है इसके ऊपर जैसे मैंने बताया ना जैसे आप H2O को देखो तो H2O के ऑक्सीजन के ऊपर दो टिमकी पड़ी होती है इन टिमकियों को बोलते हैं अपन लोन पेयर शुरू खुद देखना सब समझ में आएगा डरना मत बस मैं समझा रहा हूं आपको सब समझ में आएगा बस मन के अंदर डर मत पैदा करना देखते हैं चलो सबसे पहले इस कार्बन को देखते हैं दो बॉन्ड है एक होगा सिग्मा एक होगा पाई जब भी दो तत्वों के बीच में बॉन्ड बनता है तो पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है दूसरा बॉन्ड हमेशा पाई होता है ठीक ये बॉन्ड सिग्मा, ये बॉन्ड भी सिग्मा। तो इस कार्बन का चेक करो तो एक सिग्मा दो सिग्मा तीन सिग्मा तो पहले वाले कार्बन ने तीन सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं और लोन पेयर जीरो है तीन को अगर आप बांटेंगे तो एक एस और दो पी संकरण आ गया S पी टू समझ लो बांटना कैसे वह आपको पता होना चाहिए ना एक एस होता है और तीन पी होते हैं PX, PY, PZ, तो दो है तो एस पी तीन है तो एस पी टू चार है तो एस पी थ्री ऐसे आ रहा है ये समझ गए चलो बालक बालिकाओं देखो इधर नंबर टू दो बॉन्ड बना लिए ठीक है इधर पहला बॉन्ड सिग्मा दूसरा हमेशा पाई जब दो परमाणु के बीच में दो बॉन्ड बनते हैं तो पहला हमेशा सिग्मा बनता है दूसरा हमेशा पाई बनता है तो इस कार्बन ने एक सिग्मा इधर बना रखा है एक सिग्मा इधर बना रखा है तो इसने बना रखे हैं बेसिकली दो सिग्मा लोन पेयर कितने हैं लोन पेयर कुछ नहीं है जीरो लोन पेयर है चलिए अगर जीरो लोन पेयर है तो यहां पे नंबर आ गया टू टू के हिसाब से बांटेंगे तो एसपी संकरण मस्त चलिए तीसरे वाले को चेक करिए इधर सिग्मा पाई सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा तो इस कार्बन ने एक दो तीन सिग्मा बना रखे लोन पेयर जीरो है तो वैल्यू आ गई थ्री थ्री को अगर आप बांटते हैं तो ये आएगा sp2 संकरण के रूप में तो तीन को अगर आप बांटेंगे तो तीन को बांटने पे ये किस रूप में आएगा ये sp2 संकरण के रूप में आएगा कितनों का सही है भाई हाथ ऊपर के बताएं कितनों का सही है और अगर सबका सही है तो वेरी गुड अब आप आशीष सर का आज का कैप्सूल लेने के लिए एकदम तैयार हैं। चलिए कैप्सूल लिखिए यदि कार्बन के सभी बंद सिंगल हो यदि कार्बन के सभी बंद सिंगल हो तो संकरण होता है एसपी थ्री संकरण अगर कार्बन के सारे के सारे बंद सिंगल बॉन्ड हो तो संकरण क्या होता है एसपी थ्री इस बात को लिख लीजिए सबसे पहले तो यदि कार्बन का केवल एक बॉन्ड डबल हो यदि कार्बन का केवल एक बंद डबल हो तो संकरण होता है एसपी टू अगर कार्बन का केवल एक बॉन्ड डबल हो केवल एक बॉन्ड डबल हो तो संक्रमण होता है sp2। यदि कार्बन का एक बॉन्ड ट्रिपल हो या दो बंद डबल हो तो दोनों ही केस में संकरण होता है sp मैं समझाता हूं आपको इस कार्बन का केवल एक बॉन्ड डबल था तो कार्बन का अगर केवल एक बॉन्ड डबल हो तो संकरण होता है एसपी टू इसका संकरण था एसपी टू बीच वाले कार्बन को देखें तो उसने एक डबल बॉन्ड इधर बना रखा था और एक डबल बॉन्ड इधर बना रखा था तो बीच वाले कार्बन को देखें तो उसने दो तरफ डबल बॉन्ड बना रखे थे तो अगर कार्बन ने दो बंद डबल बना रखे हो तो उसका संकरण एसपी होता है ये देख लो। इस वाले कार्बन ने केवल एक तरफ डबल बॉन्ड बना रखा है तो अगर केवल एक डबल बॉन्ड हो तो संकरण एसपी टू होता है कहीं भी चेक कर लो आप सारे बॉन्ड सिंगल हो एसपी थ्री एक बॉन्ड डबल एसपी टू इस कार्बन का एक बॉन्ड डबल sp2 टू इस कार्बन का एक बॉन्ड ट्रिपल एसपी इस कार्बन का एक बॉन्ड ट्रिपल sp खत्म सही बात है क्या क्या आपको कैप्सूल एकदम मस्त आ गया है तो चलो एक फटाफट से एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर अभी आपका टेस्ट भी हो जाएगा चलो स्टार्ट करें ठीक है ठीक है ठीक है चलो खेलें जल्दी जल्दी खेलें इस कार्बन को चेक करते हैं फटाफट -पड़ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सबसे हो जाना चाहिए ये चलो इस कार्बन के सारे बॉन्ड सिंगल हैं। अगर कार्बन के सारे बॉन्ड सिंगल हो तो sp3 थ्री संकरण इस कार्बन का केवल एक बॉन्ड डबल है अगर कार्बन का केवल एक बॉन्ड डबल हो तो sp2 टू संकरण डायरेक्ट अगर कार्बन के दो बॉन्ड डबल बना रखे हों इसने इधर भी डबल बॉन्ड बना रखा है उधर भी डबल बॉन्ड बना रखा है दो बॉन्ड डबल हो एस संकरण कार्बन का केवल एक बॉन्ड डबल हो एसपी संकरण एस पी टू अगर केवल एक बॉन्ड डबल हो एसपी टू दो डबल है तो एसपी इस कार्बन का एक बॉन्ड ट्रिपल हो जाए तो एस पी इस कार्बन का एक भी बॉन्ड ट्रिपल हो जाए तो एसपी खत्म कैप्सूल से आप इस सवाल को ऐसे कर सकते हो बता दो इसी बात पे चाहिए क्या सारे बॉन्ड सिंगल एस पी थ्री केवल एक डबल एस पी टू दो डबल एस पी एक डबल एस पी टू एक ट्रिपल एस पी एक ट्रिपल एस पी हो गया आ गया समझ में बोलो बच्चा पार्टी आ गया क्या आ गया क्या आ गया क्या क्लियर चलो अब इसका रिवीजन करके रखना आपको एप्लीकेशन में आज जो आपने पढ़ा उससे संबंधित एक डीपीपी मिलेगी उसको सॉल्व करिएगा अगली क्लास से पहले पहले उसको सॉल्व कर लेना उस डीपीपी का सॉल्यूशन भी आपको जल्दी मिल जाएगा आपका जो ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम के ऊपर अपना उस ग्रुप के अंदर भी मैं वो डीपीपी आज की अभी सेंड कर दूंगा एप्लीकेशन में तो कल अपलोड होगी मैं आज ही सेंड कर दूंगा उस डीपीपी को अभी क्लास के बाद कर ही लेना मैं एक बार देख लेता हूं उस डीपीपी में क्या क्या है उसमें जो सिग्मा और पाई का क्वेश्चन है वो कर लेना मैं बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं ठीक है तो आपको डीपीपी पी वन जो है डीपीपी पी वन के कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं वो मैं ग्रुप में बता दूंगा आपको डीपीपी पी वन के वो क्वेश्चन करके रखने हैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास में बहुत मजा आया होगा मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ बहुत एडवांस से जाके हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं ट्वेल्थ क्लास के बच्चों का बेनिफिट ये है कि अगर कोई भूला भटका बच्चा है जिसने अप्रैल में ऑर्गेनिक के स्टार्टिंग के लेक्चर्स नहीं देखे थे अभी मेरे साथ आराम से पढ़ सकता है किसी को रिविजन करना हो वो भी कर सकता है और जब इलेवेंथ क्लास की पी एक ऑर्गेनिक चलेगी तो ट्वेल्थ क्लास के बच्चे को जेई वाले बच्चे को ड्रॉपर वाले बच्चे को उसका बहुत फ़ायदा होगा कंसिस्टेंसी की जरूरत पड़ेगी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हल्के मिल लेना है रोज़ मेहनत करनी है रोज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समय देना है क्योंकि जब आप किसी सब्जेक्ट को टाइम देते हैं तो वो सब्जेक्ट बदले में आपको नॉलेज देता है तो अब आपको बड़े दिल से बड़ी चाहत के साथ में पढ़ना है और अच्छे से मेहनत करनी है ये पहली क्लास आपकी ऑर्गेनिक की थी हो सकता है काफी बच्चों की पहली क्लास रही हो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा कल हमारी एक बहुत बड़ी क्लास है ट्वेल्थ क्लास में केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का मे मेगा वन शॉट है तो मेगा वन शॉट बहुत लंबा चलता है तो इसकी अगली क्लास अब आपकी परसों होगी क्योंकि कल मेगा वन शॉट बहुत लंबा चलता है लगभग चार घंटे मान के चलो तो इतना लंबा मेगा वन शॉट होने के कारण कल आपकी क्लास नहीं होगी ये वाली आपको कल डी भी सॉल्व करके रखनी है परसों अपन इसकी अगली क्लास लेंगे एक बात का ध्यान रखें जब भी आप इन कक्षाओं में आए जब भी आप ऑर्गेनिक की कक्षाओं में आए पिछला रिवीजन जरूर करके आए ठीक है मिलते हैं इसी के साथ अगली क्लास में बाय बाय जय हिंद टेक केयर खुश रहिए मस्त रहिए पढ़ते रहिए ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए बाय बाय जय हिंद टेक केयर इलेवेंथ क्लास के बच्चे याद रखना कल ऑर्गेनिक की क्लास नहीं है आपकी बट जो हमारा संकरण वाला टॉपिक चल रहा था पांच बजे मैं उसको कंटिन्यू जरूर करूंगा उसकी क्लास जरूर होगी ठीक है जय हिंद कमेंट जरूर करना कैसा लगा और कोई बच्चा अगर नया है तो आप एकदम सही प्लेटफॉर्म के ऊपर हो फटाफट पड़ से लाइक एंड शेयर कर दो सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन दबा लो ताकि कोई भी स्पेशल क्लास कभी भी आपकी मिस ना हो बाय बाय जय हिंद टेक केयर